नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू अप्लाई फॉर अ कोटक क्रेडिट कार्ड। मैं आपको बता दूं, अभी हाल फिलहाल में कोटक महिंद्रा बैंक एक बहुत ही अच्छा ऑफर प्रोवाइड कर रही है, जिसके अंदर आप अपने लिए जीरो बैलेंस में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आपको कोई भी एनुअल फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद जानते होंगे, जब भी हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो हमको तरह तरह के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप जीरो बैलेंस वाला सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके बाद में कैसे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों आप कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो बताने से पहले मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। देखिए इस क्रेडिट कार्ड का नाम है ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। इसको अगर आप लेते हैं तो आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा इनिशियल 45 दिन के अंदर अगर आप 5,000 रुपए का स्पेंड कर देते हैं तो आपको बैंक की तरफ से 500 रिवॉर्ड पॉइंट एज अ बोनस मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने पूरे साल के अंदर 75,000 रुपए का स्पेंड किया तो आपको 750 रुपए का कैशबैक मिलने वाला है। और अगर हम रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात करें तो अगर आप ऑनलाइन 100 रुपए का स्पेंड करते हैं तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और ऑफलाइन अगर आप 100 रुपीज का स्पेंड करेंगे तो आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको फीस एंड चार्जेस के बारे में बताऊं तो आप यहां पे देख सकते हैं ज्वाइनिंग फीस कुछ भी नहीं है, एनुअल चार्जेस भी कुछ नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप एड ऑन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होगी, और आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर आपको 2.99% का इंटरेस्ट लगने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो लेट पेमेंट से रिलेटेड सारे चार्जेस यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर आपका कार्ड ओवर लिमिट हो जाता है, मान लीजिए आपके कार्ड की लिमिट है 20,000 रुपये और आपने 20,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड कर लिया तो आपको 500 रुपये चार्जेस लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस कार्ड के अंदर आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रिवॉर्ड पॉइंट ऑन अ मंथली स्पेंड ऑफ 50,000 रुपये, तो अगर आप एक महीने के अंदर 50,000 रुपये का स्पेंड करते हैं और आप एनुअली 6,00,000 रुपये का स्पेंड करते हैं तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से 7,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, जिनका एक्चुअल प्राइस होगा 1,875 रुपये। ठीक उसी तरीके से और भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड डिलीवर होगा आपके एड्रेस पे 7 से 10 वर्किंग डे के अंदर, और इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको लिमिट मिल सकती है 8,000 रुपये से लेकर 12,00,000 रुपये तक। तो दोस्तों आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर 811 स्कीम के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसी के बाद में आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं कि आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा, उसके बाद में आप इस स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। आपको यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मेरा कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अकाउंट भी है और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड भी है, तो मैं अपने डिटेल्स यहाँ पे एंटर नहीं करूंगा, मैं अपने कलीग के डिटेल यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं फटाफट मेरे कलीग का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं नाम एंटर कर देता हूँ, मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ और ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे नीचे दो चेकबॉक्स दिए गए हैं, इन दोनों को आपको सिलेक्ट कर लेना है। पहले में बोला गया आई एम नॉट अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो इसको भी आपको टिक कर देना है, और दूसरा है आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ नो अदर कंट्री, तो इसको भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली ओपन नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज एंटर दी ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर। तो आपने जो मोबाइल नंबर अभी एंटर किया उसके ऊपर आपको एक ओटीपी मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ओटीपी व्हाट्सएप के ऊपर चाहिए या फिर कॉल के ऊपर चाहिए, तो आपको देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, गेट ओटीपी ऑन व्हाट्सएप, रिसीव कॉल, तो इन दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ओटीपी मिल चुका है, चलिए मैं उसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद में सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू एग्री टू वॉलंटरी यूज योर आधार डिटेल टू ओपन योर कोटक 811 अकाउंट। तो आप अपना आधार कार्ड के डिटेल यूज करना चाहते हैं अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। चलिए मैं अपने कलीग का पैन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। दोस्तों पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद में सेकंड में आपको आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, तो चलिए मैं फटाफट आधार कार्ड नंबर भी एंटर कर देता हूँ।
दोनों डिटेल्स एंटर करने के बाद में सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन की ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज एंटर दी ओटीपी रिसीव ऑन योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो ओटीपी मुझे यहाँ पे मिल चुका है, चलिए मैं उसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद में सिंपली मुझे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी एड्रेस रजिस्टर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली फेच कर लिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस इज योर एड्रेस एज पर योर आधार कार्ड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे एड्रेस आ चुका है, सिंपली मुझे इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मान लीजिए आप इस एड्रेस पे नहीं रहते हैं, आपको एड्रेस अपडेट करना है, तो नीचे वो भी लिखा हुआ है This will be your address in our record. You can change it at the time of full KYC verification. तो दोस्तों जब आप KYC करेंगे उस वक्त आप अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यही एड्रेस रहने देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं योर रिक्वेस्ट इज इन प्रोसेस, डोंट रिफ्रेश और गो बैक। तो हमको यहाँ पे रिफ्रेश भी नहीं करना है, गो बैक भी नहीं करना है, कुछ देर यहाँ पे वेट करना होगा, हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस के अंदर है। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आधार कार्ड के अंदर आपका जो भी फोटो होगा वो ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाएगा। और उसके बाद में नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी होगी, जैसे कि सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है ऑक्यूपेशन। तो आप क्या करते हैं वो आपको सिलेक्ट यहाँ से करना होगा। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि आप सैलराइड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, होम मेकर है, रिटायर्ड है, स्टूडेंट है, तो आप जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में एनुअल इनकम आपको सिलेक्ट करनी होगी, तो मैं यहाँ से एनुअल इनकम भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, वो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद में आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे एंटर करना होगा, तो चलिए मैं फटाफट एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद में दोस्तों आपको अपने मदर का नाम यहाँ पे एंटर करना होगा, आपकी माताजी का नाम, तो चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में जेंडर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, सिंपली मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे ये पूछ रहा है डू यू वॉन्ट टू एड नॉमिनी फॉर योर अकाउंट नाउ। अगर आप नॉमिनी एड करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करना होगा, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको सिंपली आई विल डू इट लेटर के ऊपर क्लिक करना होगा। तो फिलहाल मैं आई विल डू इट लेटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये चेकबॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आई हेयर बाय डिक्लाइन टू प्रेजेंटली नॉमिनेट एनी इंडिविजुअल। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं योर प्रोफाइल भी आ चुका है और नॉमिनी डिटेल्स भी आ चुकी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप एडिट करना चाहें तो बाजू में पेन का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पे एडिट नहीं करना, तो मैं सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बहुत सारे डिक्लेरेशन दिए गए हैं, तीन तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और चौथा भी यहाँ पे सिलेक्ट आपको करना होगा। उसके बाद में सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे ये पूछ रहा है वेयर कैन वी मीट यू, मतलब आपका KYC करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के जो एम्प्लॉयज है वो आपको कहाँ पे मिल सकते हैं। तो नीचे देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया सिलेक्ट प्रेफर्ड लोकेशन, तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे, एट एनी कोटक महिंद्रा ब्रांच, एट मीटिंग एड्रेस, एट योर आधार एड्रेस। तो मैं सिंपली यहाँ पे एट एनी कोटक महिंद्रा ब्रांच सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा नीचे की तरफ लिखा गया है कि अगर आपको KYC करना है तो आप किसी भी कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच के अंदर वर्किंग डे के टाइम विजिट कर सकते हैं, या फिर जो भी नियरेस्ट ब्रांच है उसके डिटेल दे दिए गए हैं। तो मेरे कलीग के लिए सबसे नियरेस्ट ब्रांच ये है, तो वो यहाँ पे जाके अपना KYC कर सकती हैं। तो सिंपली उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों ये यहाँ पे पूछ रहा है सेट योर नेट बैंकिंग पासवर्ड, तो आपको अपने नेट बैंकिंग के लिए कोई भी पासवर्ड सेट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में पासवर्ड को कंफर्म कर लेता हूँ और उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फिर दोस्तों मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेट योर मोबाइल बैंकिंग पिन, तो मुझे यहाँ पे कोई भी 6 डिजिट का पिन क्रिएट करना होगा। तो चलिए मैं 6 डिजिट का पिन यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, उसके बाद मैं कंफर्म कर देता हूँ और उसके बाद में आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों अगली स्क्रीन में ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू यूज द सेम पिन फॉर योर वर्चुअल डेबिट कार्ड, क्या आप अपने डेबिट कार्ड के लिए भी सेम पिन यूज करना चाहते हैं, वही पिन जो आपने एम पिन के हिसाब से सेट किया है। तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे ये पूछ रहा है आई वुड लाइक टू यूज माई डेबिट कार्ड फॉर, तो आप अपना डेबिट कार्ड कहाँ कहाँ पे यूज करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट्स ऑन डोमेस्टिक वेबसाइट / मोबाइल एप्लीकेशन, और दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट्स ऑन इंटरनेशनल वेबसाइट / मोबाइल एप्लीकेशन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको दोनों सिलेक्टेड रहने देना है और उसके बाद में सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली अकाउंट क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू द 811 क्लब संध्या कुमारी, योर 811 अकाउंट इज रेडी फॉर यूज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर भी आ चुका है, नीचे आप देखेंगे तो योर CRN भी लिखा हुआ है जिसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप नंबर,
IFSC कोड भी दिया गया है और VPA भी दिया है फॉर UPI। इसके अलावा देख सकते हैं अकाउंट बैलेंस 0 रुपीज है और नीचे वर्चुअल डेबिट कार्ड के डिटेल भी दिए हुए हैं, जैसे डेबिट कार्ड का नंबर है और वैलिड थ्रू है, इसके बाद में CVV नंबर भी है। और दोस्तों आप नीचे की तरफ देख सकते हैं फिजिकल डेबिट कार्ड अगर आपको चाहिए तो पूरे साल का लगेगा 199 रुपीज। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो सिंपली बाजू में ऑर्डर का बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके नीचे दिया गया है डाउनलोड द कोटक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। दोस्तों हम मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बाद में डाउनलोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम एंड में आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो बाजू में अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पे फिर से मुझे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये पूछ रहा है कि प्रेफर्ड नेम ऑन योर क्रेडिट कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्या नाम होना चाहिए वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, मैं इसको सिलेक्टेड रहने देता हूँ और उसके बाद में सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पे ये पूछ रहा है चूज योर क्रेडिट कार्ड लिमिट, तो आपको क्रेडिट कार्ड में कितनी लिमिट चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 30,000 सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30,000 का अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको 37,500 का फिक्स डिपॉजिट बुक करना होगा, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड आपको मिलने वाला है फिक्स डिपॉजिट के बिहाफ पे। तो उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं, फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट कितना होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए होगा। इसके बाद में नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन, तो आपका जो फिक्स डिपॉजिट है मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होना चाहिए, रिन्यू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों अगले पेज के अंदर आप देख सकते हैं आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड डिटेल्स भी यहाँ पे आ चुकी है और फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड डिटेल भी यहाँ पे आ चुकी है। अगर आप एडिट करना चाहें तो बाजू में पैन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एडिट नहीं करना चाहता इसलिए मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। और नीचे आपको यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिया गया है, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई देंगे, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन फॉर क्रेडिट कार्ड, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर फिक्स डिपॉजिट, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर लीन मार्केटिंग, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद में एक्सेप्ट एंड कंफर्म के ऊपर क्लिक करना होगा और फाइनली आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस रिक्वेस्ट नंबर भी आपको यहाँ पे मिल चुकी है। दिस ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट कार्ड इज वैलिड फॉर 45 डेज, प्लीज कंप्लीट योर फुल KYC विद इन 45 डेज फ्रॉम टुडे टू प्रोसेस योर ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। तो दोस्तों 45 दिन के अंदर आपको अपना फुल KYC कर लेना है, उसके बाद में आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर जीरो बैलेंस अकाउंट खुलाना और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना कितना आसान है। जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया सिंपली आपको इसको फॉलो करना है, आप भी अकाउंट ओपन कर पाएंगे और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी सेविंग अकाउंट ओपन करना है और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आप लोगों के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होगा जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों जाइए और अपने लिए भी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कीजिए और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।